back from the dead. हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां पर इस सेगमेंट में हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लीजेंड्स के फिल्मोग्राफी के बारे में। तो उसी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे पीसी बरुआ। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रमोतेश बरुआ, जिनको कि पीसी बरुआ के नाम से सारे जानते हैं, वो एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर भी थे। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1903 में हुआ था और इंतकाल 29 नवंबर 1951 में हुआ था। और उनका जन्म गौरीपुरा धुबरी, जो कि आसाम में है, वहाँ पर हुआ था। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, वो एक्टर थे, डायरेक्टर थे और स्क्रीन राइटर भी थे। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ उनके एक्टिंग करियर के बारे में, जहाँ पर उनका जो मूवी है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 1931 में उनका 3 मूवी आया था। एक है टकाई की ना हाया, दूसरा है चरित्रहीन और तीसरा है अपराधी। 1932 में बंगाल, 1934 में रूपलेखा, 1935 में देवदास रिलीज हुआ था, जहां पर हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में। 1936 में 2 मूवी, एक है मंजिल, दूसरा है गृहदाह। 1937 में 2 मूवी, एक है मुक्ति और दूसरा है मुक्ति का पार्ट 2। 1938 में अधिकार, 1939 में 2 मूवी, एक है राजा जयंती और दूसरा है अधिकार। 1940 में सांप मुक्ति, 1941 में 2 मूवी, एक है मायर प्राण और दूसरा है उत्तरायण। 1942 में 2 मूवी, एक है शेष उत्तार और दूसरा है जवाब। 1943 में रानी, 1944 में 2 मूवी, एक है चांदर कलंक और दूसरा है शुभ श्याम। 1953 में उनका एक मूवी आया था, मूवी का नाम है माया कानन। दोस्तों, ये तो थे पीसी बरुआ के फिल्मोग्राफी। दोस्तों, इसी तरह से किसी भी एक्टर के आप फिल्मोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना। स्टे सेफ एंड गुड बाय।